नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो है कातला माचा झाल। तो मैंने ये जो झाल है वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरीके से कातला माचा झाल बनाया है। यहाँ पर मैंने फिश को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इसे मैरिनेट करूंगी थोड़े से हल्दी, थोड़े से नमक और नींबू के रस से। मैंने यहाँ पर हाफ नींबू का रस ऐड कर लिया क्योंकि फिश जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए मैंने नींबू का रस भी हाफ, एक एक नींबू का आधा रस मैंने इसमें लिया है। मैं नींबू का रस इसलिए ऐड करती हूँ जिससे कि फिश में एक बैड स्मेल होता है, नींबू के रस ऐड करने से ये बिल्कुल चला जाता है। ऐड करने के बाद मैंने इसे 15 मिनट्स रख दिया था, उसके बाद ही मैं फिश को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि जब भी आप कोई मछली या फिर चिकन ये रेसिपी बनाते हो तो उसमें मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा एक फ्लेवर लाता है, इसलिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं फिश को फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमको नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। अब मैं एक पेस्ट बनाऊंगी जिसमें मैंने दो प्याज लिए हैं, बहुत सारे लहसुन की कलियां ली है और 1 इंच मैंने अदरक, और स्वाद अनुसार आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर लो। उसके बाद मैंने एक बोल में 200 ग्राम मैंने यहाँ पर दही यूज़ किया है, 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लेके हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके अब हम इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जिस तेल में हमने फिश को फ्राई किया है उसी तेल में हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून हम यहाँ पर ज़ीरा लेंगे। यहाँ पर क्योंकि छोटे छोटे तेज पत्ते हैं या इसलिए मैंने यहाँ पर 5 छोटे छोटे तेज पत्ते ऐड किए हैं, 2 दालचीनी ऐड किए हैं, 5 मैंने यहाँ इलायची और 3 लौंग यहाँ पर यूज़ किए हैं, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करके थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसमें से अच्छा सा एक स्मेल आने लगेगा तो हम इसमें जो मिक्सचर है उसमें हम लास्ट एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है पॉपी सीड, वो उसको बोलते खसखस। खसखस का पेस्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया है, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके हम इसको ऑयल में देखे थोड़ा सा, बहुत ही लो फ्लेम रखना है, लो फ्लेम करके इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जिस बोल में मैंने इस मिक्सचर को बनाया था उसी बोल में हम थोड़ा सा पानी लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी लेके उसी पानी को हम इसमें ऐड कर लेंगे और हमको इसे बिल्कुल नहीं चलाना है, हमें 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में ढक के रख देना है। 10 मिनट हो चुका है, देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद हम जिस फिश को हमने पहले से फ्राई करके रखा है उस फिश को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के और भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मैंने यहाँ पर 1 केजी फिश जो है यूज़ किया हुआ है, उस अनुसार मैंने सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं। अब फिश को हम इसमें ऐड करने के बाद इसे 6 मिनट के लिए और ढक देंगे जिससे कि फिश के अंदर जो मसाले का टेस्ट है वो अच्छे तरीके से आ जाए। एकदम लो फ्लेम में हम इसको करके रखेंगे। देखिए 6 मिनट बाद जो फिश है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज का ये वीडियो बस यहीं तक। नमस्ते।